जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल समृद्धि एजुकेशन में, जहाँ इस वाली क्लास में हम जो भी ग्रुप डी के पेपर्स हो रहे हैं उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो 22 तारीख 22 सितंबर को आपका जो पेपर हुआ था यानी कि कल, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हमें मिल पाए हैं उसको एकदम एक्सप्लेन मतलब डिटेल एक्सप्लेन करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिससे जो भी उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देख लीजिए अच्छे से, काफी अच्छा वीडियो है। और अगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे बगल में एक बेल आइकन होगा, बगल में एक बेल आइकन होगा उसको भी क्लिक कर लीजिए, उससे क्या होगा जो भी वीडियोस अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बात करें तो देखिए ग्रुप डी के मतलब जो 22 का पेपर है उसमें सभी शिफ्ट, तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कोई एक शिफ्ट नहीं है, तीनों शिफ्ट है, ओके, ये भी बता दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था कि आपको मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब किसे दिया गया था, तो आपको पता है कि मासू चिल्लर जी को 2017 मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपका जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे कब किस तारीख को मनाया जाता है, तो आपका 6 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे जो है ये आपका 6 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। ऑन अगस्त मतलब 23 अगस्त 2013 से यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट को यहाँ पे मतलब बताया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, एक बार आ चुका है। ये कैपिटल ऑफ श्रीलंका क्या है, तो ये आपकी श्री जयवर्धने कोटे जो है वो कैपिटल ऑफ श्रीलंका है। बात करें वहां के प्रेसिडेंट की तो मैत्रीपला सिरिसेना जो है वहां की प्रेसिडेंट है, और करेंसी जो है वो श्रीलंका रूपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब लॉन्च किया गया था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब लॉन्च किया गया था, ये आपका 2005 में लॉन्च किया गया था, कल क्वेश्चन आया था। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब लॉन्च किया, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नोकिया के सीईओ और गूगल के सीईओ दो नाम पूछे गए थे, तो नोकिया के जो सीईओ है वो राजीव सूरी 1 मई 2014 से हैं, ठीक है। नोकिया के सीईओ राजीव सूरी, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, एक बार और एएलपी में क्वेश्चन आया था। आगे बढ़ते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका उत्तराखंड में है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। देखिए मैंने यहाँ पे आपको मैप से दिखा दिया है, देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका उत्तराखंड है, ये आपका उत्तराखंड है, और ये आपका यहाँ बगल में यहाँ पे नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो ये आपका उत्तराखंड में, ये आपको क्लियर हो गया, आप कभी नहीं भूलेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कोलकाता नदी किस तट पर स्थित है, कोलकाता नदी किस तट पर स्थित है, ये आपकी हुगली नदी पर कोलकाता स्थित है, ठीक है। और हुगली नदी पर स्थित है जो मेन ब्रिज है, ठीक है, जो कुछ महत्वपूर्ण पुल है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका हावड़ा ब्रिज है, ये पूछा जा सकता है किस नदी पे है, तो ये आपका इसी नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अंडर 17 वर्ल्ड कप किसने जीता है, अंडर 17 वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो ये आपका इंग्लैंड ने जीता था अंडर 17 वर्ल्ड कप। कहाँ पे होस्ट किया गया था, तो ये आपका इंडिया में होस्ट किया गया था, और 6 अक्टूबर 2017 से लेके 28 अक्टूबर 2017 तक इसे आयोजित किया गया था। देखिए बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी होगी टेलीग्राम पे, वहां से ले सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर अभी नीचे बता दूंगा तो वहां से ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपकी फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। कुछ अन्य फॉर्मूले मैंने आपको दे दिए हैं, शायद पूछे जा सकते हैं तो देख लीजिए उनको भी। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO, सिल्कन डाइऑक्साइड होता है SiO2, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3, और आयरन ऑक्साइड होता है आपका Fe2O3, वाटर आपको H2O पता ही है, सल्फेट आपका SO3। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं मैंने दे दिए हैं, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, वहां से आप एक बार देख लीजिए, शायद पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पीरियोडिक टेबल में हेलोजन जो है, हेलोजन जो तत्व है वो किस समूह में होते हैं, तो ये आपका वर्ग 8A में, ठीक है, वर्ग 8A कह सकते हैं, या फिर आवर्त सारणी का जो 17वां समूह है, ठीक है, 17वां जो समूह है उसमें हेलोजन तत्व है। ये देखिए आपको पूरी मैंने पीरियोडिक टेबल दिखा दी, यहाँ पे आपका ये जो है ये आपका 17A है, यहाँ से आपको पूरे एलिमेंट हेलोजन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसने दिया था पूछा गया था, तो ये आपका न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नीति आयोग का जो नीति का फुल फॉर्म होता है क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्म इंडिया, ये फुल फॉर्म होता है नीति का, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये है आपका। आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा देख लेते हैं नीति आयोग क्या है। तो नीति आयोग की अगर बात करें तो ये आपका 1 जनवरी 2015 में आया था, ठीक है, 1 जनवरी 2015 में आया था। हेडक्वार्टर जो है इसका न्यू दिल्ली में है, हेडक्वार्टर जो है इसका न्यू दिल्ली में। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपका इसके सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत जो है इनके सीईओ है, तो ये भी ध्यान रखिए, अमिताभ कांत पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया से एक संबंधित प्रश्न आया था, क्या आया था उसकी लैंग्वेज नहीं पता हमें, तो ये आपका मुंबई में है, ये बता दे रहे, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया आपका कहाँ है, तो ये आपका मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कालिदास अवार्ड किसे मिला है, कालिदास अवार्ड किसे मिला है, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास अवार्ड जो है ये आपका एंजोली इला मेनन को दिया गया था, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये कालिदास का अवार्ड जो है ये आपका एंजोली
जिला मेनन को दिया गया था। एक क्वेश्चन आपका सेबी से आया, तो शायद सेबी का फुल फॉर्म ही आया था। तो सेबी की बात करें तो सेबी का जो फुल फॉर्म होता है ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि बजाज ऑटो की सीईओ कौन है, थर्ड सेट में शायद ये क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है। तो ये बजाज ऑटो के सीईओ कौन है, तो राजीव बजाज जो है ये बजाज ऑटो के सीईओ है 2005 से ही। ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला किसके द्वारा लिखी गई है, तो यानी कि आत्मकथा जो है खुल्लम खुल्ला किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये आपकी ऋषि कपूर द्वारा लिखी गई है। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको बुक, ये इनकी बुक है, ठीक है, खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर द्वारा ये लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सामाजिक न्याय दिवस किस दिन मनाया जाता है, सामाजिक न्याय दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, प्रत्येक वर्ष संपूर्ण विश्व में 20 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे था कि आसाम के गवर्नर कौन है, आसाम के गवर्नर कौन है, तो जगदीश मुखी आपके आसाम के गवर्नर है, ठीक है, आसाम के जो गवर्नर है वो आपके जगदीश मुखी है। और बात करें यहाँ के चीफ मिनिस्टर की, तो सर्वानंद सोनोवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर, और कैपिटल आपकी दिसपुर है, ठीक है, सर्वानंद सोनोवाल जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। आगे बढ़ते हैं, सरस्वती अवार्ड किसे मिला है, सरस्वती अवार्ड किसे मिला है, तो गुजरात के प्रमुख कवि नाटककार एवं विद्वान सितांशु यशचंद को 27 अप्रैल 2018 को 27वां सरस्वती सम्मान दिया गया था, ठीक है। गुजरात के प्रमुख कवि नाटककार एवं विद्वान सितांशु यशचंद को 27 अप्रैल 2018 को 27वां सरस्वती सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक से कि स्क्रूनर चैंपियनशिप 2018 किसने जीती है, तो सिद्धार्थ पारेख, ठीक है, सिद्धार्थ पारेख प्रतिहार वंश के संस्था, एक मिनट, सिद्धार्थ पारेख ने जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है, प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है, तो संस्थान नागभट्ट प्रथम जो है वो आपके प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं, आगे था कि मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है, तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, तो आपकी वेबर होती है, जिसको WB से हम दर्शाते हैं, ठीक है, वेबर, WEBER, वेबर, WB, स्मॉल WB से इसको दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फूलों में पुरुष प्रजनन अंग क्या होता है, तो ठीक है, मेल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गन होता है उसको हम स्टेमन कहते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा आपको दे दिया है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। देखिए, पुष्प का जो नर अंग होता है उसको हम पुंकेसर हिंदी में कहते हैं या फिर इंग्लिश में स्टेमन कहलाता है, यह पौधे के नर युग्मों के बनने में मदद करता है, ठीक है। बात करें पुष्प का जो मादा अंग होता है उसको हम अंडप या फिर कार्पेल कहते हैं, ठीक है, पुंकेसर नर को कहते हैं और मादा जो होता है उसको अंडप या फिर कार्पेल कहते हैं, ये आप देख लीजिएगा, नर नर युग्मक मादा युग्मक से निषेचन करता है। तो ये मैं दे दूंगा आपको PDF में, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें शायद एक क्वेश्चन आया था कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसी ने की थी, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो तीनों की खोज आप याद कर सकते हैं, ईटा पर नाच, ठीक है, ईटा पर नाच एक ट्रिक है, तो वहां से टाका आपका जे थॉमसन, पर से का लास्ट जो है रदरफोर्ड, और नाच से च से आपका चैडविक हो जाएगा, तो ये आप सिंपली याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध व दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एक इसकी भी ट्रिक है, दूध दही कभी भी लेट कर नहीं पी जाती है, ठीक है, दूध दही जो है वो कभी भी लेट कर नहीं पी जाती है, जिससे कि आपका लेटने से जो शब्द है इससे आपका लैक्टिक अम्ल, तो दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। एक क्वेश्चन था कि मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मूत्र में जो है यूरिक एसिड पाया जाता है। तो ये था सारे क्वेश्चन जो कि आपके 22 सितंबर के शिफ्ट में, ऑल शिफ्ट में आए थे। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमसे टेलीग्राम पे ले सकते हो, टेलीग्राम की लिंक अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ली होगी। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। और व्हाट्सएप के लिए मैंने बोला था, तो व्हाट्सएप के लिए ये नीचे नंबर दिया हुआ है साफ साफ, यहाँ पे 7800830378 हमारा व्हाट्सएप नंबर, यहाँ मैसेज कर दीजिए, नाम जिला मैसेज करिए, आपको ग्रुप में ऐड कर लीजिए, डेली डेली PDF यहाँ प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है, 7800830378 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे क्वेश्चन डिस्कस होते रहेंगे, इसकी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर लीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, थैंक यू।